प्रेरणा कथा। जैसे चाहूंगी वैसे जीऊंगी। दिव्या की मां कहा करती थी, एक अच्छा पारिवारिक जीवन ही एक औरत के जीवन का सबसे बहुमूल्य आशीर्वाद होता है। उन दिनों दिव्या मॉडलिंग में अपने आप को आजमा रही थी। मॉडलिंग में प्रवेश करने के कुछ ही दिनों के बाद उसने मॉडलिंग उद्योग में तहलका मचा दिया था। उस शाम वो बहुत ही पशुपेश में थी। उसको एक बहुत बड़ी कंपनी के मॉडलिंग के काम मिले थे और ये भी संभावना थी कि उस कंपनी के साथ काम करके वो सुपर मॉडल भी बन सकती थी। यही उसका बहुत बड़ा सपना था। वो जल्दी से अपनी माँ को ये समाचार सुनाना चाहती थी। उसको हैरानी हुई क्योंकि उसकी माँ पहले से ही बहुत खुश थी। माँ की खुशी का कारण बिल्कुल फर्क था। एक बहुत ही अमीर परिवार से दिव्या के लिए विवाह का प्रस्ताव आया था। अब दिव्या पशुपेश में थी कि एक तरफ उसकी मॉडलिंग थी और एक तरफ उसकी शादी जो उसके माँ बाप चाहते थे। उसकी माँ ने दिव्या से पूछा, तुम्हारा मॉडलिंग का काम कितने वर्षों तक चलेगा? ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष और फिर तुम्हारी जगह कोई और लड़की आ जाएगी और तुमको लोग भूल जाएंगे। विवाह पूरी जिंदगी के लिए होता है और सारे जीवन की खुशी देता है। विवाह में प्रेम और संपन्नता तुमको सब मिल जाएगा। तुम जानती हो तुम्हारा होने वाला पति 120 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। इससे अच्छा तुम क्या चाहती हो? दिव्या को कई रातों तक नींद नहीं आई। वो दिन रात इसी के बारे में सोचती रही। अंत में उसने निर्णय लिया कि उसकी मां ठीक कह रही थी। वो समझ चुकी थी कि उसको मॉडलिंग से कुछ ही वर्षों तक शोहरत और पैसा मिलेंगे, पर उसके बाद क्या होगा वो नहीं जानती थी। उसने निष्कर्ष निकाला कि शादी के बाद उसकी पूरी जिंदगी सुरक्षित हो जाने वाली थी। ये बात ठीक थी कि उसको मॉडलिंग छोड़ देनी होगी और पारिवारिक स्त्री बनना होगा। उसने अपने सपनों को त्याग दिया और विवाह के लिए हाँ कर दी। खूब धूमधाम से उसकी शादी हुई। शादी के कुछ ही दिनों के बाद उसको महसूस हो गया कि उसका वैवाहिक जीवन वैसा नहीं था जैसा उसने शादी से पहले सोचा था। उसको उनके बड़े से बंगले के अंदर ही रहना पड़ता था और उसके जीवन में उल्लास नहीं था। पति के घर में किसी को भी टेलीविजन पर फैशन शो इत्यादि देखने की अनुमति नहीं थी। परिवार के लोग टेलीविजन पर सिर्फ वही शो देख सकते थे जिसकी अनुमति दिव्या की सास और उसके ससुर देते थे। घर में बहुएं सिर्फ पारिवारिक टेलीविजन सीरियल ही देख सकती थी। क्योंकि दिव्या अमीर माँ बाप की संतान नहीं थी, उसकी सास उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। दिव्या अपने पति अनुभव से बहुत प्रेम करने लगी थी, इसीलिए वह चुप रहती थी। वो अपने पति के साथ हनीमून पर गई तो बहुत ही खुश थी। वो देश विदेश के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर गए और लगभग 2 महीने तक घर से दूर रहे। घूमकर वापस आने के कुछ ही महीनों के बाद उसको अपने पति के व्यवहार में ही परिवर्तन स्पष्ट दिखने लगा। अनुभव ने उसको नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। वो बहुत बार अनुभव को फोन करती थी परंतु वो फोन ही नहीं उठाता था। उसको सिर्फ उत्तर देने वाली मशीन की ही आवाज आती थी। एक दिन उसने उसके कपड़ों की अलमारी में खूबसूरत सी लाल डिब्बी में एक सोने की बहुत सुंदर अंगूठी देखी। दिव्या ने वो अंगूठी पहनकर देखी परंतु वो उसको बहुत बड़ी थी। उसने सच पता लगाने की ठान ली। अगली सुबह जब अनुभव अपने दफ्तर के लिए घर से निकला, दिव्या भी अपनी कार में उसके पीछे लग गई। वो दिन भर अपनी कार में बैठकर ही उसकी गतिविधियों पर नजर रखती रही। शाम तक वो उसके दफ्तर के बाहर प्रतीक्षा करती रही। शाम को अनुभव बाहर आया और अपनी कार में बैठकर घर के रास्ते पर न जाकर एक नए रास्ते पर चल दिया।
उसकी कार लीलावती चौल के सामने रुकी। वहां एक विवाह समारोह हो रहा था। अनुभव ने अपनी कार पार्क की और सीधा मंच पर बैठे दूल्हा और दुल्हन की तरफ चल दिया। दिव्या भी चुपचाप मेहमानों की भीड़ में मिल गई और धीरे धीरे मंच के पास आ गई। एक बूढ़े व्यक्ति ने आगे बढ़कर अनुभव का स्वागत किया और कहा, सर मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आप जैसा व्यस्त व्यक्ति इस अवकाश प्राप्त बूढ़े चपरासी की बेटी की शादी में आएगा। मैं आपका बहुत आभारी हूं। अनुभव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आपने 40 साल हमारी कंपनी में काम किया है रमन काका, मैं आपको कैसे भूल सकता था। मैं तो सिर्फ आपकी प्रशंसा करता हूं और ये छोटी सी भेंट आपकी बेटी को देने को आया हूं। अनुभव ने अपने जेब में से अंगूठी वाला लाल डिब्बा निकाला और उस बूढ़े की बेटी के हाथ में रख दिया। अनुभव ने सर पर हाथ रखकर दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद भी दिया। दिव्या की आंखों से आंसू गिरने लगे हैं। उसने मन में सोचा कि उसने अपने मॉडलिंग के जीवन को त्याग कर अनुभव जैसा पति पाकर कोई भी गलती नहीं की थी। मित्रों, शंका किसी भी विवाहित दंपति के जीवन में बहुत सी कठिनाइयां पैदा कर सकती है। शक के कारण कितनी ही शादियां टूट जाती हैं। पति पत्नी को कभी भी पूरी बात जाने बिना एक दूसरे से प्रश्न नहीं करने चाहिए और कभी भी अधूरी जानकारी के आधार पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।